नमस्कार दोस्तों, वशीकरण के टोटके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टोटका है स्त्री पुरुष वशीकरण, दोस्तों इतना महाशक्तिशाली यह टोटका उपाय है। सिर्फ मूली की सात गांठ लगाते ही स्त्री या पुरुष जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसी को आप हमेशा हमेशा के लिए वश में कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को तभी करना जब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो और आपका प्यार सच्चा है तभी ही ये कार्य करना। आपका प्रेमी है या पति है आपको ब्लॉक कर चुका है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। यह बहुत ही महाशक्तिशाली टोटका है। इससे टोटके को करते ही आपका प्रेमी है या पति है या प्रेमिका है या पत्नी है वह आपको अनब्लॉक कर देगी। दोस्तों इसको करना क्या है, अपने पति और पत्नी का जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं आप सबसे पहले आप अपना नाम लिख दें, इसके नीचे उम्र लिख दें, एक छोटी सी पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा दें और इसी प्रकार से दूसरा पर्सन जो भी है आपका प्रेमी है या पति है जो भी है उसका नाम लिख दें और नीचे उसकी उम्र लिख दें और नीचे उसकी तस्वीर लगा दें। उसके बाद में एक आपको यह मंत्र आपको एक प्लेन कागज़ के ऊपर लिखना है, वह भी आपको रोली से लिखना है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। स्त्री पुरुष वशीकरण के लिए आप फिर इसको अपने हाथों में पकड़कर इस मंत्र को 101 बार बोलना है और अमुख की जगह पर उस स्त्री या पुरुष का नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। फिर इसके बाद में इस कागज को इस यंत्र को इस प्रकार से बना लें, इसके सात गांठ लगा दें। मूली की सात गांठ लगाते ही आप देखेंगे आपका पति है या प्रेमी है या प्रेमिका है जो भी आप जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं वह आपके वश में होता दिख जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर वह इंसान आपको अनब्लॉक कर देगा दोस्त। और फिर इसको जैसे ही सात गांठ लगा देंगे इसको एक पानी के गिलास के अंदर, कांच का एक गिलास लेना है उसके अंदर पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद में इसको इसी प्रकार से डुबो दें अच्छे तरीके से। एक रात के लिए आप किसी कोई सुरक्षित जगह पे इसको ले जाकर रख दें। उसके बाद में देखेंगे आप 24 घंटे के अंदर अंदर वह स्त्री पुरुष जिसने आपको ब्लॉक किया है वह आपको अनब्लॉक कर देगा। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।